हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के लाइव मौसम अपडेट के बारे में, साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी पर बने हुए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के बारे में कि वो किस दिशा की ओर बढ़ने वाला है और किन राज्यों में उनसे भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। साथ ही बात करेंगे एंटी साइक्लोन जो वर्तमान में पाकिस्तान पर बना हुआ है, उसका प्रभाव राजस्थान पर किस प्रकार रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं संपूर्ण भारत में सैटेलाइट इमेज के सबसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी पर जो चक्रवातियों का क्षेत्र वर्तमान में विकसित हुआ है, उन्हीं के आसपास बादलों का घेराव आपको देखने को मिल रहा है। इन क्षेत्रों में ये बादल काफ़ी घने विकसित हुए हैं और इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र की बात करें, जो उत्तर प्रदेश फैजाबाद के आसपास बना हुआ है, उनसे भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मध्य इलाकों में काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। ट्रफ की बात करें, ट्रफ उत्तरायण होने के कारण उत्तरी तराई इलाकों में भी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल के संपूर्ण इलाके, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। आइए आगे बात करते हैं भारत पर बने हुए मानसूनी सिस्टमों की बात करें तो राजस्थान के पश्चिम में एक एंटी साइक्लोन वर्तमान में बना हुआ है जो पाकिस्तान पर बना हुआ है। एंटी साइक्लोन का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमने वाली हवाएं होती हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान या संपूर्ण अरब देशों से आने वाली शुष्क हवाएँ, जो राजस्थान पर इन हवाओं का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल अरब सागर तक पहुँच रही हैं। इनकी ऊंचाई लगभग बात करें तो 3700 मीटर तक ये मॉडल आपको दिखाई दे रहे हैं। फैजाबाद के आसपास बना हुआ चक्रवातियों का क्षेत्र भी इन्हीं हवाओं के चपेट में आने वाला है और आने वाले 24 घंटों के बाद ये कमज़ोर तो कमज़ोर होने वाला है, परंतु एक वर्तमान में देखा स्थिति देखें तो ये खत्म बिल्कुल अपना अस्तित्व खो नहीं सकता। एक चक्रवातियों का क्षेत्र वर्तमान में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल दक्षिण भागों पर विकसित हुआ है जो आंध्र प्रदेश के समानांतर विकसित हुआ है। वर्तमान में ये बंगाल की खाड़ी के मध्य पर स्थित है और ये भी देखा जाए तो ये आने वाले समय में ये काफ़ी मजबूत होने की संभावना है। आइए आगे बात करते हैं फैजाबाद के आसपास बना हुआ चक्रवाती क्षेत्र की बात करें तो इसकी ऊंचाई 500 मीटर से 3700 मीटर तक वर्तमान में स्थित है और आने वाले समय में ये लगभग 48 घंटों तक बने रहने की संभावना है। ये थोड़ा पूर्व दिशा की ओर बढ़ने वाला है, पटना और भागलपुर तक ये आगे बढ़ सकता है। आइए आगे बात करते हैं चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो वर्तमान में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी पर बना है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 3700 मीटर से लगाकर 5000 मीटर तक वर्तमान में इसकी ऊंचाई है और ये आने वाले समय में देखा जाए तो इसकी और विकसित होने के साथ साथ ये 2000 मीटर तक नीचे बढ़ने की संभावना है, जो लगभग 14 अगस्त तक ये लगभग 2000 मीटर तक आने की संभावना है। आइए आगे बात करें एंटी साइक्लोन की। एंटी साइक्लोन की बात करें तो इसकी ऊंचाई 4200 मीटर पर वर्तमान में है और 6000 मीटर तक वर्तमान में इसकी ऊंचाई है और आने वाले 15 अगस्त तक बात करें तो ये 2200 मीटर तक आने की संभावना है। इन्हीं कारणों से राजस्थान पर इसका प्रभाव और बढ़ने वाला है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई बादलों की ऊंचाई, बारिश वाले बादल लगभग 2200 मीटर से ऊंचाई ही ऊपर बनते हैं, जो लगभग 10 किलोमीटर तक बारिश वाले बादल बन सकते हैं। 2000 मीटर से यदि नीचे बादल बनते हैं, उन बादलों से कभी बारिश नहीं होती है क्योंकि वो बिल्कुल बादल उनको ठंडाई या नहीं मिलती है और जब बादल ठंडे नहीं होते तब तक बारिश नहीं होती है। आइए आगे बात करें संपूर्ण भारत बने मानसूनी सिस्टमों और उनकी बात करते हैं तो ट्रफ की बात करें, ट्रफ वर्तमान में काफ़ी उत्तरायण हो चुकी है। एक चक्रवातियों का क्षेत्र आप बिल्कुल देख रहे हैं जो फैजाबाद के आसपास बना हुआ है। एंटी साइक्लोन जो आप देख रहे हैं, एंटी साइक्लोन का मतलब होता है घड़ी की दिशा में घूमने वाली हवाएं जो आप पाकिस्तान पर बना हुआ है बिल्कुल आप देख रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने हुए चक्रवातियों के ट्रैक की बात करें तो ये जो लाल एरो दिखाया गया है इस तरफ बढ़ने की संभावना है। लगभग 19-20 अगस्त तक ये महाराष्ट्र में पहुंचने की संभावना है और 21-22 को ये राजस्थान में इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, जो संपूर्ण राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ एक बार संपूर्ण बढ़ने वाली हैं। आइए आगे बात करते हैं संपूर्ण राजस्थान में आने वाले समय में कैसा रहने वाला है मौसम। मौसम की बात करें, राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में देखा जाए तो अरब सागरी शाखा से इन क्षेत्रों में कल से ही घने बादल देखने को मिलेगी क्योंकि इन क्षेत्रों में अब बादल बढ़ने वाले हैं, जो बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में ये बादलों की
और आवाजाही बढ़ने वाली है और इन क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां कल से ही शुरू होने की संभावना है। कल बारिश की बात करें तो सिरोही, राजसमंद, उदयपुर इन क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी और सवदा अगस्त तक बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर के कुछ इलाकों में भी अरब सागरी शाखा से आने वाले बादलों से इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। हवा की बात करें तो हवा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर क्षेत्रों में तो आज से ही बढ़ने वाली है और तेज हवा के साथ इन क्षेत्रों में ये बादलों की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। बाकी संपूर्ण राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अगले बारिश की दौर की बात करें तो लगभग 18 अगस्त से शुरू होने की संभावना है, जो सबसे पहले कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से होते हुए टोंक, अजमेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर सारे इन क्षेत्रों में होने की संभावना है और WD के कारण 17-18 अगस्त को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।